तो कैसे हो आप सभी। सो गाइस, आज की वीडियो में आप जानने वाले हो कि मार्वल एचक्यू ने बेबलेट को क्यों स्टॉप किया। पिछले एक हफ्ते से बेबलेट के न्यू एपिसोड्स हम सभी को देखने को नहीं मिल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग डिसअपॉइंट है कि बेबलेट के न्यू एपिसोड्स हम सभी को क्यों नहीं देखने को मिल रहे हैं। मार्वल एचक्यू का प्लान समझ में नहीं आ रहा, उसकी क्या स्ट्रैटेजी है ये सभी हम में से किसी को समझ में नहीं आ रही। लेकिन आज के वीडियो में मैं आप सभी को एक्सप्लेन करूँगा अच्छे तरीके से कि मार्वल एचक्यू क्या चाहता है। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर ना तो प्लीज़ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। 9K होने वाले हैं तो एडवांस में 9K की बधाई आप सभी को, क्योंकि आप सभी भी इस सब्सक्राइबर मतलब इस ऑल फॉर्मेट सीरीज़ की फैमिली का हिस्सा हो। तो थैंक यू सो मच आप सभी को इतना सारा सपोर्ट और इतना सारा प्यार देने के लिए, और इस वीडियो को हर तरफ शेयर कर देना। सो लेट्स बी कैन। तो सबसे पहले शुरुआत से चालू करते हैं। बेबलेट बस टर्बो 7 दिसंबर को चालू हुआ था, और उसके बाद जब बेबलेट बस टर्बो धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा, तो जब बेबलेट बस टर्बो के 15 से 20 एपिसोड्स हो गए थे, तो मार्वल एचक्यू ने एक रिपीट टेलीकास्ट के तौर पर अपने शेड्यूल में सैटरडे और संडे को बेबलेट बस टर्बो के 4 से 5 एपिसोड्स दिखाना चालू कर दिया था। तो इतना तो कंफर्म है कि मार्वल एचक्यू को बेबलेट बस टर्बो से अच्छी टीआरपी मिल रही है, तभी तो वो बेबलेट बस टर्बो को रिपीट करा रहा है, वरना वो बेबलेट बस टर्बो को क्यों रिपीट कराएगा। वो चाहता तो बेबलेट बस टर्बो को जल्दी से जल्दी ख़त्म कराने के बारे में सोचता। और वैसे भी हम सभी लोग इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते हैं, और जितने भी वॉइस एक्टर्स हैं उनको टैग करके बेबलेट बस टर्बो का मतलब पिक लेके स्टोरी डालते हैं, और डिज्नी इंडिया को भी टैग करते हैं। तो डिज्नी इंडिया भी ये बड़े अच्छे तरीके से जानता है कि उसको अच्छी खासी व्यूअरशिप मिल रहा है, लेकिन वो बेबलेट बस टर्बो में और भी ज़्यादा व्यूअरशिप चाहता है। मतलब कि उन्होंने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना तो उन्हें मिल गया, लेकिन अब उन्होंने अपना मतलब क्या कहते हैं जो गोल है, टारगेट है टीआरपी का, उसे और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। मतलब वो चाहते हैं कि हमें बेबलेट बस टर्बो से अगर इतनी अच्छी टीआरपी मिल रही है तो और अच्छी मिल सकती है, इसीलिए वो बेबलेट बस टर्बो को रिपीट करना उन्होंने सैटरडे और संडे को चालू किया। फिर उसके बाद जब बेबलेट बस टर्बो के 30 एपिसोड हो गए, तो वहीं से सारा खेल पलट गया। उसके बाद से बेबलेट बस टर्बो 7:30 बजे नहीं आने लगा, और उसकी जगह रिपीटेड एपिसोड बेबलेट बस टर्बो के आने लगे। तो मार्वल एचक्यू ने ऐसा इस वजह से किया क्योंकि वो चाहते हैं कि बेबलेट के जितने भी फैंस हैं वो बेबलेट बस टर्बो का एक भी एपिसोड मिस ना करें, क्योंकि बात यह है कि बहुत से लोगों ने बेबलेट बस टर्बो के कुछ एपिसोड्स को मिस कर दिया है। तो इसी वजह से डिज्नी इंडिया चाहता है कि बेबलेट फैंस सभी एक साथ आगे बढ़ें और बेबलेट को अपना सपोर्ट और प्यार देते रहें। तो आप सभी को भी यही करना है, आप सभी को डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होना है, आप सभी बेबलेट बस टर्बो को अपना प्यार देते रहो और सपोर्ट करते रहो, और इंस्टाग्राम पर भी स्टोरीज डालते रहो, डिज्नी इंडिया को टैग करो, मुझे टैग करो, और जितने भी बेबलेट के यूट्यूबर्स हैं उन सभी को टैग करते रहो। और थैंक यू सो मच तो इस वीडियो को देखने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने अच्छे से आप सभी को एक्सप्लेन कर दिया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दो यार। और हाँ, एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट ये करूँगा यार, अरे यार इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर दो, इतनी मेहनत करता हूँ यार, तुम्हारा कब खून खोलेगा यार। प्लीज़ 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 आ जाओ इंस्टाग्राम पर, बहुत मज़े करेंगे इंस्टाग्राम पर हम सभी। तो प्लीज़ फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है इंस्टा आईडी का। तो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड।